हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 9, 8 क्लास। चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है? प्रोडक्शन करना। किसका प्रोडक्शन करना? अपने जैसे इंडिविजुअल्स का। जैसे इंसान इंसान के जैसे बच्चों को पैदा करता है, कुत्ता कुत्ते के जैसे बच्चे को, बिल्ली बिल्ली के जैसे बच्चे को, घोड़ा घोड़े के जैसे बच्चे को। तो रिप्रोडक्शन में होगा क्या कि जो भी इंडिविजुअल है वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन में जो बात करनी है इस चैप्टर के अंदर, वो एनिमल्स के बारे में करेंगे, हम जीव जंतुओं के बारे में करेंगे हम। और जो प्लांट्स की जो रिप्रोडक्शन है वो हम 7th क्लास में कर चुके हैं, वहाँ पे आपने प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है। तो देखिए क्या है, स्टार्ट करते हैं इसको हम। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस? आप क्या उन प्रोसेस को रिकॉल कर सकते हो? थोड़ा आपको पता होगा इनके बारे में। डाइजेशन कर रखा आपने, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर, क्लास नंबर 7 के अंदर आपने इन सभी के बारे में पढ़ रखा है। दीज प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारी अर्थ के ऊपर, उन सब को जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? इन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने की ज़रूरत है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें, हमें खाना खाने की ज़रूरत है, फिर खाने का बॉडी के अंदर डाइजेशन होने की ज़रूरत है, डाइजेशन के बाद उस पूरे डाइजेस्टेड फूड का पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन भी ज़रूरी है। तो जितने भी प्रोसेस हैं, ये सारे प्रोसेस क्या करते हैं? हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, हम सभी को क्या रखते हैं? जिंदा रखते हैं। और ये प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है? कॉमन है। यू हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में आपने कर ही रखा है 7th क्लास के अंदर। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, इस चैप्टर का जो नाम है उसी से क्वेश्चन आ गया है हमारे पास कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदा है रिप्रोडक्शन का? तो रिप्रोडक्शन का फ़ायदा क्या है? इससे जो हमारी स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। जैसे कि इंसान अगर बच्चे पैदा ना करे तो एक टाइम ऐसा आएगा सारे के सारे इंसान क्या हो जाएंगे? पृथ्वी पर से ख़त्म ही हो जाएंगे। तो हमारे स्पीशीज़ को आगे कंटिन्यू रखने के लिए, हमारे जैसे और जो हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी उसके लिए रिप्रोडक्शन क्या है? ज़रूरी है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। क्या होगा अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन ना करेंगे तो क्या होगा? एक ऐसा टाइम आएगा पूरी की पूरी जो स्पीशीज़ है, जैसे कि मान लिया कैट है, अगर उनके बीच में रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा? हमारी जो एक्सटिंक्ट हो जाएगा कैट पूरा अर्थ से। यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एनश्योर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये दूसरा यहाँ पे यूज़ बता दिया रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। इससे क्या होगा, हमें जो हमारी स्पीशीज़ हैं वो क्या रहेंगी? कंटिन्यू रहेंगी, हमें एनश्योर रहेगा, हमें पक्का रहेगा कि जो हमारी स्पीशीज़ है एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन से हमारी अर्थ पे क्या आती रहेंगी? चलती रहेंगी, और जो लाइफ है वो हमारी स्पीशीज़ का वो कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे कि एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन के क्या क्या तरीके हैं, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स के अंदर। तो 9.1 देखिए आपको क्या है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने तरीके हैं, किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकती है। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। क्या आपने बच्चों को देखा है अलग अलग एनिमल्स के, जैसे इंसान के बच्चे या फिर कोई दूसरे एनिमल, जैसे कि हमारा डियर का बच्चा हो गया या फिर रैबिट का बच्चा हो गया या फिर डॉग का बच्चा हो गया। ट्राई टू नेम सम ऑफ यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल। हमें क्या करना है, टेबल 9.1 के अंदर, देखिए ये टेबल गिवन है हमें, इस टेबल के अंदर इनके यंग वंस को क्या बोलते हैं, इनके न्यू बॉर्न्स को हम क्या बोलते हैं, वो हमें क्या करना है, फिल करना है। तो देखिए क्या है, यू पहले हम टेबल फिल कर लेते हैं, टेबल्स का वहीं से ही आंसर होगा। तो देखिए फर्स्ट ह्यूमन का जो यंग वन है, जो ह्यूमन का बच्चा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। कैट के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, किटन बोलते हैं। और उसके बाद जो डॉग है, डॉग के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, पप्पी बोलते हैं। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का जो यंग वंस होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाएगा कैटरपिलर बोला जाएगा। हैन, हैन के जो यंग वन है उसको क्या बोलते हैं, चिक बोलते हैं। काऊ के यंग वन को हम क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं।
फ्रॉक के यंग वन को हम क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं। तो इन सभी के आंसर हमें यहाँ से भी मिल जाएंगे। तो देखिए ये बताया गया आपको, यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ द वेरियस बींग बॉर्न्स, कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बॉर्न, हाउ आर किटन्स एंड पपीज बॉर्न्स, डू यू थिंक डैट यंग वंस आर लुक द सेम बिफोर देवर बॉर्न एज दे डू नाउ। तो हमें क्या नज़र आएगा यहाँ पे कि जो चिक हैं वो किसके थे, हैन के थे, कैटरपिलर हम बात कर चुके हैं, किटन आपके कैट के हैं, पपीज डॉग के हैं, तो जो यंग वंस हैं उनके अलग अलग जो नाम हैं। और इन्होंने क्वेश्चन किया हमसे कि जो यंग वंस हैं क्या वो एग्जैक्ट जो भी हमारे पास एनिमल्स हैं क्या उनके जैसे हैं या कुछ अलग भी हैं। देखिए कुछ तो हमारे सेम वैसे ही हैं और कुछ हमारे अलग भी हैं, वो हम बात करेंगे आगे वीडियो के अंदर कैसे अलग होंगे। तो अब हमारे पास यहाँ से आ गया है कि जो रिप्रोडक्शन है वो कितने तरीके से हो सकता है एनिमल्स के अंदर। तो क्या है, टू वेज है, एक है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, जिसमें हमें दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी, हमें मेल की ज़रूरत पड़ेगी, फीमेल की ज़रूरत पड़ेगी, उन दोनों के बीच में मेटिंग होगी, फिर उसके बाद उनका जो बच्चा होगा वो कौन से रिप्रोडक्शन से आया हमारे पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, हमें अलग अलग पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मदर फादर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेल फीमेल की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल ही क्या करेगा, अपने जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम डिटेल में करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 7। आपको रिकॉल करना है जो आपने 7th क्लास के अंदर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का टॉपिक रीड किया है उसके बारे में। यू विल रिमेंबर डेट प्लांट्स डेट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो हमारे प्लांट्स हैं उनके अंदर भी क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और जैसे कि आपने देखा होगा फ्लावर, कई सारे फ्लावर कैसे होते हैं, जिसके अंदर मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, और उन दोनों की मेटिंग से क्या होगा, फिर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कैन यू नेम दिस पार्ट, आपसे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के नाम पूछे गए हैं। तो एक तो है आपका स्टेमन जो कि मेल पार्ट होता है, और दूसरा है आपका कार्पल बोल देते हैं, ये पिस्टल भी बोल देते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। तो क्या नाम बोला यहाँ पे, एक तो मैंने बोला है कार्पल, दूसरा मैंने क्या बोला है यहाँ पे आपको, एक बोला आपको कार्पल CARPEL, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और दूसरा मैंने यहाँ पे बोला है स्टेमन। स्टेमन कैसा पार्ट है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। लाइक प्लांट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स डेट फ्यूज टू फॉर्म जायगोट, इट इज़ द जायगोट विच डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। देखो होता क्या है, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। देखिए रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जैसे मान लिया ये है मेल ये है फीमेल, मेल और फीमेल क्या प्रोड्यूस करेंगे, अपने गैमेट्स। मेल प्रोड्यूस करेगा स्पर्म सेल, फीमेल प्रोड्यूस करेगी एग सेल। जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, एग सेल के साथ स्पर्म सेल फ्यूज होगा, तो हमारे पास एक सिंगल सेल बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जायगोट बोलते हैं। जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा डेवलपमेंट के टाइम पे, एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो बन जाएगा जायगोट से। फिर एम्ब्रियो क्या बनाएगा, नया बेबी, मतलब न्यू बेबी की जो हमारा बनेगा, जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा, तो उससे क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म हमारा रिप्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखिए इसने किसकी जरूरत पड़ी है, हमें मेल की जरूरत पड़ी है, फीमेल की जरूरत पड़ी है, और ये मेल का गैमेट है और ये क्या है, फीमेल का गैमेट। मेल और जो फीमेल गैमेट है इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सेक्स सेल। जैसे आपसे पूछा जाए कि मेल का सेक्स सेल या मेल का गैमेट का नाम क्या है, स्पर्म, और फीमेल के गैमेट और फीमेल के सेक्स सेल का नाम क्या है, आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, एग, ओवम भी बोलते हैं इसको। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर क्या होगी, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मेल गैमेट की जरूरत पड़ेगी और फीमेल गैमेट की जरूरत पड़ेगी, और मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या बोल देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए, लेट अस फाइंड द गैमेट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं और कैसे रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन के अंदर। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, मेल के अंदर क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देखिए यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, ये इस वाले हिस्से को, ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं टेस्टिस। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, टेस्टिस है। इन टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं हमारे, मिलियन ऑफ स्पर्म्स, जो स्पर्म्स हमारे सेक्स सेल हैं, जो मेल गैमेट हैं, ये कहाँ पे बनते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, मेल के अंदर, ये बनते हैं टेस्टिस के अंदर। फिर टेस्टिस से आपको जो जुड़ी हुई है पाइप नज़र आ रही है, इन पाइप को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्म डक्ट। और जो स्पर्म डक्ट है फिर आगे वो किससे जुड़ी होती है, स्पर्म डक्ट आपको देखिए आगे यहाँ पे ये जुड़ी हुएगी किससे, पेनिस के साथ, ये क्या है, पेनिस। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, यहाँ पे हमारी टेस्टिस है। टेस्टिस किसके और प्रोड्यूस करती है, किसका प्रोडक्शन करती है, टेस्टिस प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म सेल्स का। अब देखिए इसके बारे में बताया गया है, मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर क्या क्या आएगा हमारा, इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, और टेस्टिस का जो सिंगुलर वर्ड है उसकी स्पेलिंग क्या है, टी एस टी आई एस, और ई एस लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ड। टू स्पर्म डक्ट, हाउ मैनी स्पर्म डक्ट्स मेल हैव, टू स्पर्म डक्ट, और इसके अलावा क्या है, पेनिस है। तो तीन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल के, पेनिस, स्पर्म डक्ट्स, टेस्टिस। अब तीनों की अलग अलग बात करेंगे हम, टेस्टिस, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है, मेल गैमेट, और मेल गैमेट्स का नाम क्या है, स्पर्म्स। और एक टेस्टिस के अंदर कितने स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, मिलियन ऑफ स्पर्म्स। और जो स्पर्म की पिक्चर है आप साइड में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है स्पर्म। स्पर्म के अंदर तीन पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट है, उसके बीच वाला ये मिडल पार्ट है, और लास्ट में जो आपको ये पार्ट नज़र आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो ये क्या है, ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर, तीन पार्ट होंगे, हेड, टेल और मिडल पीस। और ये पूरा है क्या, एक स्पर्म सेल है, मतलब एक सेल का एग्जांपल है, किसका सेल, ह्यूमन का स्पर्म सेल। दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ अ हेड, मिडल पीस एंड टेल। स्पर्म का साइज क्या होता है, काफ़ी छोटा है, ये नेक्ड आइज से हमें नज़र नहीं आता, ये माइक्रोस्कोप से हमें नज़र आता है। डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल, क्या ये सिंगल सेल है या नहीं है, यस स्पर्म सेल इज अ सिंगल सेल। जैसे कि एग सेल एक सिंगल सेल है, एग एक सिंगल सेल है, तो उस तरह से स्पर्म सेल भी क्या है, एक सिंगल सेल है। ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कॉम्पोनेंट्स, सेल कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट। अगर देखिए ये सेल है तो इसके अंदर जो सेल के अंदर कॉम्पोनेंट्स हैं वो भी सारे प्रेजेंट होंगे, लाइक इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। तो जो जो सेल के अंदर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, वो सारे स्पर्म सेल के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। What purpose does the tail in the sperm cell? जो आपको यहाँ पे tail का जो ये नज़र आ रही है sperm cell के अंदर, इसका काम क्या है, इसका काम है sperm को movement करवाना। sperm को देखो पैर वगैरह तो नहीं है sperm के, तो इसकी movement कैसे होगी, with the help of the tail। tail को move करवाएगा ये, और tail की movement की वजह से क्या होगी sperm की movement, जैसे tail move करेगी तो इसकी body भी क्या करेगी, move करेगी। तो function क्या है sperm के अंदर tail का, for the movement of the sperm। ये तो अभी हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं ये किसका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का है, किसके अंदर, ह्यूमंस फीमेल के अंदर। तो देखिए सबसे पहले आपको जो ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं ओवरी, क्या बोलते हैं इसको, ओवरी। फीमेल के अंदर कितनी ओवरीज होती हैं, पेयर बोल दीजिए या फिर टू बोल दीजिए, हाउ मैनी ओवरीज, टू ओवरी। उसके बाद आपको जो यहाँ पे ये जॉइनिंग नज़र आ रही है ओवरी की, ये दो ट्यूब होती हैं जो ओवरी से जुड़ी होती हैं, इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। इनको क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं, और इनका दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब्स, ट्यूब बोलते हैं इसको हम। इसके बाद जो आपको ट्यूब से जुड़ा हुआ जो ये हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, इस पूरे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम यूट्रस, क्या बोलते हैं इसको, यूट्रस। यही वही पार्ट होता है फीमेल के बॉडी के अंदर, रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, जहाँ पे बच्चे की डेवलपमेंट होगी, जहाँ पे फीटस की डेवलपमेंट होगी, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। मतलब जो 9 मंथ का जो पीरियड है जहाँ से बच्चा अपनी ग्रोथ करता है, तो वो फीमेल के किस पार्ट के अंदर होती है, वो होती है यूट्रस के अंदर। क्या नाम है पार्ट का, यूट्रस। और जो फर्टिलाइजेशन होती है, जो फ्यूज़न होता है एग सेल और स्पर्म सेल का, वो कहाँ पे होता है, वो होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर। देखिए पहले होता क्या, जैसे ये ओवरी है, ओवरी के अंदर एग्स होते हैं,
तो फीमेल के अंदर क्या होता है, हर महीने एक एग रिलीज होगा, इनमें से कोई भी दो ओवरी में से किसी भी एक ओवरी के अंदर एक एग रिलीज होगा, और वो एग कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। जैसे एग आ गया मान लिया यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर, अब यहाँ से क्या होगा, जो स्पर्म्स है वो यूट्रस के थ्रू कहाँ आ जाएंगे, फीमेल के, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, और फिर वो यूट्रस से कहाँ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे एग के पास। तो अंदर यहाँ पे इस हिस्से के अंदर क्या होगा, जो मेल के स्पर्म सेल्स हैं और जो फीमेल के एग सेल्स हैं वो एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा हमारे पास, जायगोट। तो जो फ्यूज़न होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल स्पर्म सेल्स, सेक्स सेल्स का, स्पर्म और एग सेल का, वो फीमेल बॉडी के किस पार्ट के अंदर होता है, वो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर या फिर ओविडक्ट के अंदर। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके कुछ टाइम बाद जो हमारे जायगोट बना है, जैसे मान लिया यहाँ पे ये हमारा बना है जायगोट, ये जायगोट बन गया है, यहाँ पे फ्यूज़न हो गया था, जायगोट बनने के बाद जायगोट कहाँ पे आ जाएगा, यूट्रस की वॉल के साथ चिपक जाएगा, और यूट्रस की वॉल से वो क्या लेगा फिर, अपना पूरा खाना पीना जिस भी चीज़ की उसको ज़रूरत है बॉडी को, वो सारा का सारा न्यूरिशमेंट कहाँ से लेगा, वो फीमेल के यूट्रस से लेगा, क्योंकि वो फीमेल के यूट्रस से किसके थ्रू जुड़ा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू, किसके थ्रू जुड़ा रहेगा, प्लेसेंटा के थ्रू। तो यही बताया गया आपके अंदर यहाँ पे कि फीमेल के अंदर कितनी ओवरी हैं, 2 ओवरी हैं, कितनी ओविडक्ट हैं, 2 ओविडक्ट हैं, और यूट्रस कितना है, 1 यूट्रस है, और ये सब मिला के क्या बोले जाएंगे, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा, जो ओवरी प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट को, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं और एग्स बोलते हैं। इन ह्यूमन बींग अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज इन टू द ओविडक्ट बाई वन ऑफ द ओवरीज ईच मंथ, हर महीने क्या होगा, 2 ओवरी में से कोई भी एक ओवरी एक अंडा रिलीज करेगी, और वो अंडा कहाँ पे आ जाएगा, ओविडक्ट के अंदर, और फिर ओविडक्ट के अंदर क्या होगा, हमारा स्पर्म सेल एग सेल से फ्यूज कर जाएंगे और वहाँ पे हो जाएगी फर्टिलाइजेशन। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस, यूट्रस वो पार्ट है फीमेल बॉडी का जहाँ पे बच्चे की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, जैसे हमने पीछे बात की थी कि एग सेल, स्पर्म सेल एक सिंगल सेल है, इसी तरह से एग सेल भी क्या है, एक सिंगल सेल है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे होंगे एग सेल का, ये है ह्यूमन फीमेल का एग सेल। इसमें के अंदर वही है साइटोप्लाज्म है एग के अंदर, ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा है, ये क्या है, ह्यूमन फीमेल का एग सेल। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिखाया गया है, कैसे हमारा एग सेल और स्पर्म सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गया। ये एग सेल है पूरा, ये क्या है, स्पर्म सेल्स है, स्पर्म सेल्स बहुत सारे आएंगे एग के पास, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा, वो एक ही सेल करेगा, एक ही स्पर्म सेल करेगा। यहाँ देख पा रहे हो आप, जो एक स्पर्म सेल है वो बिल्कुल अंदर तक चला गया है, और बाकी जो हमारे स्पर्म सेल्स हैं ये एग के अंदर जाने से पहले ही क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो जो ये प्रोसेस आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होता है तो बनता क्या है, हमारा जायगोट, और जायगोट के अंदर चेंज आने के बाद क्या बनेगा, हमारा न्यू इंडिविजुअल। तो जो न्यू इंडिविजुअल बनने की जो शुरुआत है वो कहाँ से हो जाती है, जायगोट से। जब तक एग और स्पर्म अलग अलग हैं कोई नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन नहीं होगी, और जैसे ये फ्यूज़ हो जाएंगे जायगोट बनेगा, वैसे ही हमारे न्यू इंडिविजुअल के बनने की क्या हो गई है, बिगनिंग हो गई है, शुरुआत हो गई है। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जायगोट, जायगोट के अंदर क्या है, ये अब पूरा एग सेल था, एग सेल के अंदर किसने एंट्री कर ली थी, यहाँ पे स्पर्म सेल ने, और जो स्पर्म सेल का जो न्यूक्लियस है और जो एग सेल का जो न्यूक्लियस है वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं, और जुड़ने के बाद उन्होंने क्या बना लिया, एक सिंगल न्यूक्लियस। तो आपसे पूछा जाए जायगोट क्या है, एक सिंगल सेल है या सिंगल सेल नहीं है, तो आप बोल सकते हो जायगोट इज़ अ सिंगल सेल। इसके अंदर हुआ क्या है, मेल और फीमेल जो सेल थे, जो गैमेट्स थे, उनके न्यूक्लियस क्या हो गए हैं, फ्यूज़ हो गए हैं, वो जुड़ गए हैं, दिखाई दे रहा है ना आपको, फ्यूजिंग न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियस एग और स्पर्म सेल के जुड़ गए हैं। बूजो रिकॉल्ड दैट द साइज ऑफ द एग्स इन द एनिमल वेरीज, द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमंस, मच लार्जर एज इन हैन, ओस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट।
तो इन्होंने कंपेयर किया है कि जो एग रिलीज होंगे, एक तो ह्यूमन के अंदर, फीमेल के अंदर वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, उसके बाद एग की बात, हैन की बात की जाए तो हैन के एग थोड़े बड़े होंगे ह्यूमन से, लेकिन बड़े होंगे साइज़ में। अगर ओस्ट्रिच एग की बात करें तो वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल है, ऐसा सेल है, वो सिंगल सेल है जिसको कि हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। हैन एग को भी देख सकते हैं हम, वो भी सिंगल सेल है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग का जो सेल है उसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। अब देखिए फर्टिलाइजेशन बताया गया आपको, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, बात कर चुके हम, फ्यूज़न होगा स्पर्म का किसके साथ, ओवम के साथ, और जब स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज़ करेगा प्रोसेस को बोला जाएगा फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों का न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, दोनों कौन कौन, एक एग सेल और एक स्पर्म सेल, और दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज़ होने के बाद बनेगा क्या हमारे पास, सिंगल न्यूक्लियस, क्या बनेगा, सिंगल न्यूक्लियस। तो इस सिंगल न्यूक्लियस को हम बोलते क्या हैं, जाइगोट बोलते हैं, और इसी जाइगोट को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मैटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम करेक्टर्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। लुक एट योर ब्रदर एंड सिस्टर। इन्होंने बोला है कि अगर हम ह्यूमन बींग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जो इंडिविजुअल आएगा, जो नया बच्चा बनेगा हमारा, जो प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी, कुछ करैक्टर्स अपने मदर से लेके जाएगा और कुछ करैक्टर अपने फादर से लेके जाएगा। तो उन करैक्टर्स को हम बोलते हैं इनहेरिट करैक्टर्स। इनहेरिट का मतलब जो हमारे अंदर, हमारी जनरेशन से आए हैं, हमारे पेरेंट्स से आए हैं, हमारे दादा दादी या नाना नानी से आए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कैसे करैक्टर्स बोलते हैं, इनहेरिट करैक्टर्स बोलते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें ब्रदर और सिस्टर के करैक्टर्स की फादर और मदर के साथ, तो काफ़ी सारे करैक्टर्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे से क्या करेंगे, मैच करेंगे। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होगी उस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि हमने अभी ह्यूमन बींग्स के अंदर बात की, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ था, एग और स्पर्म सेल का, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। तो हमारे अंदर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, बॉडी के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगी, तो वो कौन कौन है, ह्यूमंस हैं, काउज हैं, डॉग्स हैं, हैंस हैं, इन सभी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगी वो कहाँ पे होगी, बॉडी के अंदर होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें फर्टिलाइजेशन बताया गया है एक्सटर्नल और इंटरनल। और इससे पहले हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में कि टेस्ट ट्यूब बेबीज होते क्या हैं।